हाई गाइज आई एम राखी एंड वेलकम टू माई चैनल आई होप यूल आर डूइंग वेल सो आज के इस हॉल वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेडिंग से रिलेटेड आउटफिट्स कुछ कुर्ता सेट ज्वेलरी सेट जिन्हें आप हल्दी मेहंदी और संगीत में ईजिली स्टाइल कर सकते हैं और जितने भी कुर्ता सेट हैं सारे ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मैं लेकर आई हूँ और बहुत ही अच्छी सी पर्ल ज्वेलरी मैं आपके लिए इस हॉल वीडियो में लेकर आई हूँ सो so, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हॉल वीडियो आई हैव दिस आई हैव दिस beautiful, स्टाइलिश ब्रेसलेट ब्रांड फ्रॉम शाइनिंग Diva एंड दिस इज वेरी beautiful, वेरी एलिगेंट एंड इसको ना कुछ कुछ नवरत्न जैसे ब्रेसलेट आते हैं ना नवरत्न स्टोन वाले ये कुछ कुछ वैसा ही है और ये गोल्ड प्लेटेड है एंड थोड़ा सा इसमें ना ब्रास का टच भी है ओवरऑल क्वालिटी बहुत अच्छी है स्टोन क्वालिटी बहुत अच्छी है डिजाइन बहुत अच्छा है और बहुत ही स्लीक सा बहुत ही मतलब प्यारा सा लगता है हैंड में जब आप इसको वेयर करते हैं तो पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से लगता है बहुत ही स्लीक सा और डिसेंट सा ये एक ब्रेसलेट है और इसे आप किसी भी वेस्टर्न और ट्रेडिशनल ऑल्सो किसी भी ट्रेडिशनल आउटफिट पर इजीली स्टाइल कर सकते हैं बहुत ही प्यारा लगने वाला है ये पहनकर हाथ में अगर आपको कोई बैगल्स वगैरह नहीं पहनने का शौक़ है तो आप इस ब्रेसलेट को इजीली स्टाइल कर सकते हैं नाउ आई हैव वन मोर ब्यूटिफुल ब्रेसलेट एंड दिस इज अगेन फ्रॉम ब्रैंड शाइनिंग डीवा लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस ब्रेसलेट अच्छा, खूबसूरत ब्रेसलेट है बहुत ही अच्छे से आपकी कलाई पर फिट हो जाता है और बहुत ही अच्छा डिजाइन है इसका पहनने के बाद बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही स्मार्ट लग रहा है एज यू कैन सी जो लोग बैंगल्स पहनना पसंद नहीं करते उनके लिए ये एकदम परफेक्ट ऑप्शन है किसी भी वेडिंग किसी पार्टी फंक्शन के लिए आप इसे इजीली किसी भी आउटफिट पर स्टाइल करेंगे तो ये बहुत स्मार्ट लगेगा इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है फिनिशिंग के साथ बनाया गया है और बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है जो कि मुझे लगता है किसी भी इंडियन आउटफिट पे एज वेल एज किसी भी वेस्टर्न आउटफिट पर ये इजीली जा सकता है सो दिस इज वन मोर ब्रेस्टेड एंड आई लव दिस आप इनको किसी भी इंडियन आउटफिट पर किसी भी वेस्टर्न आउटफिट पर ईजिली स्टाइल कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे आपके किसी भी आउटफिट को सो दीज काइंड ऑफ ब्रेसलेट मस्ट है से कोई भी एक ब्रेसलेट आपको अपनी वॉर्ड्रोब uh, में जरूर रखना चाहिए जिससे कि आप किसी भी वेडिंग में किसी पार्टी फंक्शन में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट एक वॉच एंड ये ब्रेसलेट आप वियर कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। इस तरह के जो ब्रेसलेट्स होते हैं इस तरह की जो एक्सेसरीज होती हैं ये आपकी स्टाइलिंग को ना बहुत ही ईजी बना देते हैं लुक एट द फिनिशिंग लुक एट द डिज़ाइन और मुझे लगता है कि ये किसी भी आउटफिट पर आपके इंडियन हो या फिर वो वेस्टर्न हो उन पर इजीली जाएंगे और आपकी बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेसलेट्स हैं बोथ आर लुकिंग प्रिटी एज वेल एज स्टाइलिश और बहुत ही क्लासी मुझे लगता है कि ये लगेंगे जब भी हम इन्हें स्टाइल करेंगे सो so, मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है और मुझे लगता है हमारे पास इस तरह का कोई एक प्रोडक्ट ज़रूर होना चाहिए जो कि हमारी स्टाइलिंग को और इम्प्रूव करे now move on to next product next i have this this is again from brand shining diva aur iske na products is bahut acche hote hain jewelry bahut achhi quality ki hoti hai so isme mujhe receive hua hai ek pearl jewelry set so isme mujhe receive hua hai ek नेक पीस बहुत ही अच्छी quality है इन pearls की बहुत ही different size के इसमें pearls आपको देखने के लिए मिलेंगे ये आपका नेक पीस है एंड दिस इज द ब्रेसलेट बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी भी एंड इसके साथ हमें रिसीव हुए हैं ये पर्ल ईयर चलो इसको पहनकर दिखाते हैं लेट्स वेयर दिस तो पहनने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है इसकी चेन काफी बड़ी है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं सो so ये इसका नेक पीस है एंड दिस इज द ब्रेसलेट और इसे भी वियर कर लेते हैं सो दिस इज़ द पर्ल नेकलेस ब्रेसलेट एंड ईयर रिंग्स कॉम्बो गाइज एंड लुक एट द ब्यूटी एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल सो प्रिटी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये मुझे रिसीव हुआ है और मुझे लगता है ये हर एक एज के लिए ना परफेक्ट है चाहे वो गर्ल्स हो या फिर मैरिड वुमेन हो और अगर आप एजिड भी हैं तो ये उनके लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है किसी भी वेडिंग में या किसी भी पर्टिकुलर आउटफिट के लिए अगर आप कोई इस तरह की ज्वेलरी देख रहे हैं पर्ल ज्वेलरी तो ये बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा ऑप्शन है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसके पर्ल्स की बहुत ही प्यारा सा पर्ल का फिनिशिंग uh, है इसमें लुक एट द ब्रेसलेट एंड लुक एट द ईयरिंग्स एंड दिस इज द नेक पीस और बहुत ही प्यारा सा है बहुत ही क्यूट सा मुझे लगा इसको किसी और ज्वेलरी के साथ भी हम मिक्स एंड मैच करके ईजिली uh, स्टाइल कर सकते हैं एंड इसके ईयर तो मुझे लगता है कि हम डे टू डे लाइफ में भी अगर इसको पहनेंगे तो ये बहुत ही स्मार्ट लगेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे से सिर्फ और सिर्फ सिंगल पर्ल के साथ इनको बनाया गया है एंड ये नेक पीस है इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं काफ़ी लंबी चेन इसमें पीछे दी गई है सेम इसके ब्रेसलेट में भी एक अच्छी खासी चेन दी गई है मैंने अभी फिलहाल ये काफ़ी लूज पहना है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं ये एडजस्टेबल है सबसे अच्छी बात ये है दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर एनी एज ग्रुप और ये मुझे लगता है बाउंडेड नहीं है कि पर्टिकुलर ये एज ग्रुप इसको स्टाइल करेगी या वो ये मुझे लगता है इसे कोई भी एज ग्रुप स्टाइल कर सकता है चाहे वो टीनेजर्स हो गर्ल्स हो मैरिड वुमेन हो या फिर और थोड़ा एज में चले जाएं आप तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है और मुझे लगता है जो टीचिंग प्रोफेशन में है थोड़ा आ, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक ज्वेलरी पीस है जिस मतलब पूरा कॉम्बो है ये जिसमें आपको एक नेक पीस मिलता है ब्रेसलेट मिलता है एंड ईयर मिलते हैं इफ यू आर अ टीचर और अ ऑफिस गोइंग वुमेन तो भी ये एक परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए अगर आपके ऑफिस में कोई पार्टी है तो पर्टिकुलर आप इसको किसी भी कॉटन uh, साड़ी के साथ या सिल्क साड़ी के साथ इसको वेयर कीजिए एंड यू आर गुड टू गो पर्ल ज्वेलरी ऐसा होते हैं कि किसी पर्टिकुलर कलर के लिए बाउंड नहीं है ये uh, हर एक कलर पे जाएगी और बहुत ही अच्छी लगती है पर्ल ज्वेलरी बहुत, ही लगती है। बहुत ही क्लासी लुक आता है टू हंड्रेड समथिंग में जो भी एक्जैक्ट प्राइस होगा वो आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएगा एंड इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको कैसा ये ज्वेलरी पीस मुझे कमेंट करके बताइएगा नाउ मूवन टू नेक्स्ट नेक्स्ट आई हैव दिस अगेन दिस इज फ्रॉम shining diva इस बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ है एक और ज्वेलरी सेट एंड दिस इज अगेन अ पर्ल ज्वेलरी वाओ लुक एट द डिजाइन लुक एट द ब्यूटी Guys, जब मैंने ये ऑनलाइन चेक किया था तो मुझे बिलीव uh, मी मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव होगा एंड इसकी जो क्वालिटी सच में मैं हाथ में फील कर रही हूँ ना आई कान टेल यू बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी और बहुत ही अच्छे से इसकी जो मेकिंग है ना वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट की है सी यहाँ पर आपको कुंदन के साथ इसको फिनिशिंग करके दिया गया है एंड ये एक लेयर्ड नेकलेस है और बहुत ही प्यारा लगने वाला है चलो उसको पहन ही लेते हैं सी पहनने के बाद ये मुझे कुछ रानी वाली फील आ रही है इसको पहनकर आई डोंट नो कि आपको ऐसा लग रहा नहीं लग रहा बट मुझे तो प्रॉपर ये इसको पहन के ना बिल्कुल रानी वाली फील आ रही है एंड सी ये जो ब्रेसलेट था जो मैंने भी पहना था ये देखो इसके साथ भी अच्छे से जा रहा है इवन इसके जो ईयर हैं वो भी इसके साथ जा रहे हैं हालांकि इसके साथ दूसरे ईयर रिंग्स हमें रिसीव हुए हैं बट अगर थोड़ा सा हल्का करना है अपने ईयर्स को और नेक में हैवी कुछ पहनना है तो ये मुझे लग रहा है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं बट इसके साथ जो हमें ईयरिंग्स रिसीव हुए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ हमें इसके साथ रिसीव हुए हैं ये वाले ईयर बहुत ही अच्छी क्वालिटी है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है और पर्ल क्वालिटी भी जो इसमें दी गई है बहुत ही ब्यूटीफुल है वो मुझे लगता है कि ये भी इसके साथ अच्छे लगेंगे और जो मैंने इसमें पहने हुए हैं ना ऑलरेडी वो भी अच्छे लगेंगे चलो एक पहन के देखते हैं मुझे लग रहा है कि दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं डिपेंड करता है कि ओकेज़न क्या है आपको कितना हैवी लुक करना है अगर आपको हैवी लुक पे जाना है तो आप इसको इसके साथ स्टाइल कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ा सा लाइट रखना है तो आप इसके साथ इसको स्टाइल कर सकते हैं एंड मैं बार बार आपको बोलूँगी कि देखो जैसे मैंने कहा था कि ये वाला जो सेट है ये आप किसी के साथ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं सो so, मुझे लगता है कि ये इसके साथ भी अच्छे से जा रहा है सो so, मुझे तो ये सेट बहुत अच्छा लगा क्वालिटी बहुत अच्छी है पर्ल क्वालिटी बहुत अच्छी है बहुत ही अच्छे से इसको बनाया गया है फिनिशिंग के साथ इसको बनाया गया है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ही मुझे रिसीव भी हुआ है इवन पहनने के बाद मैं जैसे दोबारा बोलूँ कि मुझे बहुत ही रानी वाली फील आ रही है अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए और, और अगर मैं मैं थोड़ा गलत सोच रही हूँ तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बट मुझे तो पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा और मुझे वैसे भी ना पर्ल ज्वेलरी आजकल कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है तो दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर कमिंग वेडिंग एक बार इसको क्लोजली मैं आपको दिखा देती हूँ सी लुक एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड दिस इज द नेक पीस बिलीव मी ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छी क्वालिटी मुझे ये सच में रिसीव हुई है और बहुत ही सुंदर ये नेक पीस मुझे लग रहा है दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर व्हाइट और सिल्वर काइंड ऑफ ज्वेलरी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है पर्ल ज्वेलरी सिल्वर को ईजीली रिप्लेस करेगा और ये बहुत अच्छा लगेगा सो दिस इज परफेक्ट फॉर मी और आप मुझे इसे किसी भी आने वाले आ, वीडियो में देख सकते हैं पहने हुए सो यस आई लाइक दिस नाउ मूवन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट नेक्स्ट आई हैव दिस ब्यूटिफुल ग्रीन कलर कुर्ता एंड दिस इज फ्रॉम ब्रैंड लिबास एंड लुक एट द डिजाइन लुक एट द कलर बहुत ही अच्छा कलर है अगर आप किसी के मेहंदी फंक्शन के लिए कोई कुर्ता सेट देख रहे हैं तो दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन एंड लुक एट द एम्ब्रॉयडरी ऑन नेक बहुत ही अच्छी बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ इसमें एम्ब्रॉयड्री की गई है पूरे ही कुर्ता सेट में आपको एम्ब्रॉयड्री मिलती है फ्रंट में देखने के लिए नेक पर कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयड्री है एंड ऑल ओवर कुर्ता में आपको इस तरह के बूटाज मिलेंगे और सबसे अच्छी बात है जैसा कि अभी आने वाले सीजन में हल्की सी विंटर्स अभी आनी शुरू हो गई हैं तो उसके लिए भी ये एकदम परफेक्ट है फुल स्लीव्स इसमें आपको मिलती हैं एंड स्लीव्स पर भी आपको इस तरह की एम्ब्रॉयडरी देखने के लिए मिलेगी सी फैब्रिक है इसका सिल्क और बहुत ही अच्छा सिल्क है बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है ऑल ओवर कुर्ता में आपको लाइनिंग मिलती है एंड हेयर इज द बॉटम पार्ट ऑफ द कुर्ता एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आई थिंक ये मुझे 700 में रिसीव हुआ है एंड ये एक कुर्ता है और पूरे ऑल ओवर कुर्ता में जैसा कि मैंने बोला इसमें आपको लाइनिंग रिसीव होती है लाइनिंग की क्वालिटी भी अगेन बहुत अच्छी है सी सी कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि अपने आउटफिट पर बहुत मेहनत करते हैं चाहे वो फैब्रिक में हो एम्ब्रॉयडरी में हो स्टिचिंग में हो या फिर कोई और क्वालिटी हो ये बहुत अच्छे से मैनेज करके चलते हैं तो मुझे ये कुर्ता सेट बहुत अच्छा लगा सो दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर मेहंदी फंक्शन नाउ मूवन टू नेक्स्ट नेक्स्ट आई हैव दिस ब्यूटिफुल कुर्ता सेट अगर आपको किसी भी संगीत के लिए या फिर कोई और जो छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं उनके लिए कोई कुर्ता सेट ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल कुर्ता एंड दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड इंडो एरा एंड इस ब्रांड के भी मेरे पास बहुत सारे कुर्ता सेट्स हैं सी दिस इज द स्लीव इसमें हमें थ्री फोर्थ स्लीव मिलती हैं स्लीव पर भी आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी एंड क्वालिटी देखिए एम्ब्रॉयडरी की एंड फिनिशिंग देखिए और पूरे कुर्ते में आपको नेक पर इस तरह का एम्ब्रॉयड्रीड पैटर्न मिलेगा और नेक पे हल्का सा गोटा पत्ती का भी वर्क इसमें किया गया है और इसमें ना आपको एम्ब्रॉयड्री में गोल्डन जरी की एम्ब्रॉयड्री है साथ में पिंक थ्रेड भी यूज किया गया है थ्री फोर्थ इसमें स्लीव है ऑल ओवर कुर्ता प्लेन है और इसके साथ हमें रिसीव हुआ है बॉटम इसमें हमें बॉटम में मिलती है पैंट और पैंट के बॉटम में भी हमें ये वाली एम्ब्रॉयड्री देखने के लिए मिलेगी और पैंट में हमें पॉकेट भी मिलता है अपना फोन कैरी करने के लिए एंड दिस इज द दुपट्टा दुपट्टा जो है वो है ऑर्गेंजा में एंड दुपट्टे की लेंथ अच्छी है दुपट्टे की जो विड्थ है वो स्टोल वाली विड्थ है एंड पूरे ही दुपट्टे में आपको सीक्वेंस वर्क मिलेगा सीक्वेंस के छोटे छोटे से फ्लावर इसमें बना रखे हैं एंड दुपट्टे के जो दो साइड हैं वो हमें जरी के साथ ऐसे फिनिश करके दिए गए हैं सो दिस इज द सूट और अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे ये सूट अच्छा लगा क्योंकि इस ट्रेंड की फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है फिनिशिंग बहुत अच्छी है स्टिचिंग को बहुत अच्छे से करते हैं ये तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप किसी भी फंक्शन के लिए देख रहे हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ये एक वेडिंग कलेक्शन हो सकता है तो वेडिंग में हल्दी भी होती है एंड दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर हल्दी एंड ये भी एक पूरा कुर्ता सेट हमें रिसीव हुआ है एंड दिस इज अगेन फ्रॉम ब्रांड इंडो एरा एंड लुक एट द डिजाइन ये हमें नेक पर डिजाइन मिलता है फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड नेक इसमें आपको रिसीव होता है इसमें भी हमें थ्री फोर्थ स्लीव मिली है और स्लीव में हमें कुछ इस तरह का लेस पैटर्न देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर भी सी ठीक है और ऑल ओवर कुर्ता प्लेन है नीचे फिर हमें बॉटम में आकर फिर से हमें ये वाला लेस वाला पैटर्न मिलेगा इसके बॉटम में हमें पैंट रिसीव हुई है और पैंट में हमें इस तरह का बॉटम में लेस वर्क देखने के लिए मिलता है ओके एंड दिस इज द दुपट्टा दुपट्टे की क्वालिटी बहुत अच्छी है प्रिंटेड दुपट्टा इसमें हमें मिला है और दुपट्टे में इस तरह के एजेस को फिनिश करके दिया है दुपट्टे की लेंथ बहुत अच्छी है प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी है ऑर्गेंजा में दुपट्टा हमें मिलता है और जो दुपट्टे की लेंथ है वो काफी अच्छी है और जो विर्थ है वो स्टॉल वाली विथ हमें मिलती है इसमें दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर हल्दी अगर आप हल्दी के लिए कुछ ऐसा देख रहे हैं तो कलर एकदम परफेक्ट है डिजाइन एकदम परफेक्ट है फैब्रिक हमें सिल्क मिला है और इसके बॉटम में बॉटम में हमें पैंट मिलती है दिस इज द होल कुर्ता सेट एंड आई लव दिस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट नेक्स्ट आई हैव दिस ब्यूटिफुल कुर्ता सेट एंड लुक एट द डिजाइन दिस इज द कुर्ता एंड इसके कुर्ते में हमें फुल्ली फ्रंट में एम्ब्रॉयड्री मिलती है लुक एट द एम्ब्रॉयड्री डिजाइन इसकी एम्ब्रॉयडरी में हमें वाटर सीक्वेंस सिल्वर सीक्वेंस और व्हाइट uh, थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी देखने के लिए मिलेगी एंड थ्री फोर्थ इसमें स्लीव्स मिलती हैं इसकी स्लीव्स में हमें इस तरह का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा सी एंड दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं फ्रंट में फुल्ली एम्ब्रॉयड्रेड है पूरे ही कुर्ते में आपको लाइनिंग मिलती है एंड जो इसका कुर्ते का जो बॉर्डर है आपको नीचे बॉटम में इस तरह से मिलेगा बात करूं इसके फैब्रिक की तो सिल्क फैब्रिक में मुझे रिसीव हुआ है कलर है इसका लेवेंडर बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा और एकदम प्रिटी कलर ये मुझे रिसीव हुआ है एंड पूरे ही कुर्ते में फ्रंट में आपको एम्ब्रॉयडरी मिलती है सीक्वेंस की और थ्रेड वर्क की और ऑल ओवर कुर्ता लाइनिंग के साथ आपको रिसीव होता है और ये पूरा कुर्ता सेट है कुर्ते में हमें नीचे बॉटम में मिलता है पैंट और पैंट हमें प्लेन मिलता है साइड में आई थिंक पॉकेट होगा यस yes. इसको वन साइड पॉकेट मिलता है इसमें हमें एंड दिस इज द पैंट और साथ में रिसीव हुआ है फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा लुक एट द क्वालिटी ऑफ दुपट्टा इसमें दुपट्टे की लेंथ एंड विथ दोनों ही बहुत अच्छी हैं और पूरे ही दुपट्टे में आपको इस तरह की बॉर्डर देखने के लिए मिलेगा ऑल ओवर दुपट्टे में आपको इस तरह का बॉर्डर देखने के लिए मिलेगा और बीच में दुपट्टे के आपको इस तरह की बूटी मिलेंगी एम्ब्रॉयडरी के साथ अगेन दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर वेडिंग एंड पार्टीज बहुत ही अच्छा कलर है ये मुझे लगता है किसी भी डे फंक्शन के लिए और इवन नाइट में भी जो इसमें सीक्वेंस दिया गया ना बहुत ही ब्लिंक करने वाले हैं वो सीक्वेंस और शायद उसी से इसका बहुत ज़्यादा ग्रेस आने वाला है तो मुझे लगता है कि दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर कमिंग फंक्शंस और पार्टीज सो so पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया तो उसमें किसी भी फंक्शन पे आप इसको पहनेंगे तो बहुत स्मार्ट लगेंगे एंड दिस इज अगेन अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर वेडिंग पार्टीज और एनी काइंड ऑफ फेस्ट सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए भूलेगा नहीं एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड कमेंट कीजिए कि आपको इस पूरे हॉल वीडियो में सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी ज्वेलरी लगी और कौन सा सूट सेट आपको अच्छा लगा एंड ऑल्सो कमेंट मी जैसा कि अभी विंटर सीजन आने वाला है उसमें आपकी कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है तो आप किस तरह के आउटफिट और किस तरह का हॉल वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं गाइज जब आप मुझे कमेंट कर देना तो बिलीव मी मुझे अच्छा लगता है मुझे गाइडेंस मिलती है कि आप मुझे किस तरह से मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं मेरे वीडियोस में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करते रहिए मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी और जो भी आप मुझे कमेंट करते हैं उसको इंप्लीमेंट करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल्सो कमेंट में अगर आप एक चिटचे वीडियो देखना चाहते हैं और मेरे साथ कोई एक चिटचे वीडियो करना चाहते हैं तो भी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए भूलना नहीं एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड कमेंट करते रहिए और देखते रहिए साल विजा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव